हमने मीटर यूज की हेल्प से अननोन वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 रीडिंग फाइंड की थी और हम अब इसके एस एवरेज वैल्यू निकालेंगे। एस एवरेज वैल्यू हमने सभी वैल्यू को ऐड किया और 5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास वैल्यू आई 1.16 ओम। तो हमारे पास अभी एस एवरेज आ गया और हमें अभी अपने सेकंड स्टेप में कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन फॉर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को लास्ट स्टेप में फाइंड करना है। रो इक्वल्स टू आर ए बाय एल, यहां पे आर एस एवरेज है जो हमने यहां से कैलकुलेट किया है। ए मींस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, एल डब्ल्यू मींस लेंथ ऑफ वायर, दिस इज लेंथ ऑफ वायर। सारी वैल्यूज हमें पता है, एस एवरेज 1.16 ओम, एल इज 10 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज 5 स्क्वायर बिकॉज़ दिस वायर इज सर्कुलर इन शेप। This is the wire. And the wire is circular in shape. Okay. By calculating the diameter of the wire by screw gauge, screw gauge की मदद से हमने इस wire का diameter calculate किया, तो diameter की value आई 0.50 mm. Radius हमें निकालना है, diameter का half करना पड़ेगा। Radius आएगी 0.25 mm. Mm की value नहीं लेनी होती, centimeter पे लेनी होती। Length of wire हमने सेंटीमीटर में कैलकुलेट की है। लेंथ ऑफ वायर इज 10 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ वायर इज 10 सेंटीमीटर, तो यहां पर लेंथ ऑफ वायर रखेंगे 10 सेंटीमीटर। यहां एस एवरेज है 1.16, एरिया ऑफ लेंथ, एरिया ऑफ वायर पाई स्क्वायर, लेंथ ऑफ वायर इज 10, 1.16 पाई 3.14 एंड रेडियस इन सेंटीमीटर इज 0.025 आर स्क्वायर के 0.025 अपॉन में 10। इसको कैलकुलेशन करके हमारे पास आया 0.002765 ओम सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वायर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट हो गई है।